मैं सक्कर के शहर के लोगों के लिए ये पैगाम दे रहा हूँ, ये लॉकडाउन जो लगाया गया है ये आपके लिए लगाया गया है, ये पब्लिक की बेहतरी, पब्लिक की सेहत के लिए लगाया गया है। एक चीज़ हमको सबको समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के ऊपर इस वक्त रिसर्च मुकम्मल नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये रिस्क मटेरियलाइज होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सिवियर हो सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसी पोजीशन आ जाए कि हम सारे कंट्रोल से बाहर हो। तो मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, अपने घर से ना निकलें। हमने कंप्लेंट सेंटर बना दिया है, ऑनलाइन सेंटर बना दिया है, सकन सिटीजन पोर्टल कायम कर दी गई है जिस पे एप्लीकेशन के ज़रिए आप जाके उस एप्लीकेशन पे कंप्लेन करें। 24/7 खुला हुआ है, 1177577777 नंबर है, उस पे करें, वो 24/7 ऑन है। smc.gos. अपना PK वेबसाइट है, उस पे आप जाके अपनी कंप्लेंस कर सकते हैं। हमने अपने रेंट्स सारे वेव ऑफ कर दिए, वाटर चार्जेस, वेस्ट वाटर चार्जेस, जितने टैक्सेज हैं रेडियो के वो कर दिए। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो उस तबके के लिए जिस जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अपना काम करता है। इस वक्त हर बंदा परेशान है, ज़हनी तौर पे परेशान है, माशी तौर पे परेशान है। और वो शख्स जो डेली कमाता था और डेली अपना पेट पालता था, अपने वालदैन का, अपने बच्चों का, इस वक्त उनका साथ देने की ज़रूरत है। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब एक दूसरे कम्यूनिटी, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सब मिल के उन लोगों का खास ख्याल रखें जिस वक्त जिनके पास वक्त राशन नहीं है, खाना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध बीस ने ऐलान किया 20 लाख फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड करने का। सक्कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएटिव ले रही है, हमारे फैमिली ओनर्स जो हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो हमें फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने तौर पर इन लोगों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।